शेप सोयाबीन पेस्ट। वाह, लगता है वक्त हो गया है। एक घंटे से इसी वक्त का इंतजार था, अब चलो खेलने चलते हैं। अरे पापा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था, तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। यहीं पर बैठो। अगर ये कोई लेक्चर है तो प्लीज जल्दी खत्म कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब था कि वो आप अपने संडे का समय मुझे लेक्चर देने में खराब नहीं करना चाहेंगे ना। शरारती बच्चे, क्या तुम उस इंसान को जानते हो जिसने चांद से सात परेशानियों को मांगा था? नहीं, वो कौन थे? वो एक सामुराई था और उसका नाम शिकानोसुकी यामानाका था। उसने मुश्किलों के लिए प्रार्थना की थी। खतरनाक मुश्किलों का सामना किए बिना हम अपनी ताकत कभी नहीं समझ सकते। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? नहीं। मुश्किलों का सामना करो। मैं जानता हूँ कि मेरी ताकत की एक सीमा है, मगर मैं पूरी मेहनत करूँगा, ये इसका मतलब है। इसी तरीके से पुराने जमाने में लोग अपने आप को आजमाया करते थे और ताकतवर बनते थे। नोबिता, तुम्हें बहादुर बनना है, मुश्किलों से मत डरा करो। अगर तुम अपने मन में ठान लो तो तुम दुनिया का कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच पापा, लगता है आपने मेरी सोई हुई हिम्मत को जगा दिया है। अब मैं करके रहूँगा। बहुत अच्छे, अब आप मुझे देखना पापा, मैं पूरी मेहनत करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अरे अरे वाह डोरेमोन, चलो मेरे साथ। क्या? प्लीज मुझे शिकानोसुकी में बदल दो ना डोरेमोन। जैसा कि डैड ने कहा, तुम मुश्किलों का सामना करना चाहते हो। तुम्हारे पास इसके लिए गैजेट नहीं है, प्लीज दो ना। ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है नोबिता, पर क्या तुम श्योर हो? अगर तुम यही चाहते हो तो हार्टशेप बीन पेस्ट। ये भला क्या चीज है? अगर तुम इस पेस्ट को चाट लो तो सभी काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो लाओ दो मुझे। इसका टेस्ट तो बिल्कुल बीन पेस्ट जैसा ही है डोरेमोन। हाँ नोबिता, इसे चखने के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो बताओ क्या करोगे? हाँ, सबसे पहले नाश्ता करूँगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम बस देखते जाओ। मामा, नाश्ते में क्या है? बेटा, आज मैं नाश्ते में हॉट केक्स बनाने वाली हूँ। सच में? जल्दी ही बन जाएंगे। अरे ये क्या? अब क्या हो गया माँ? अरे बेटा, बटर खत्म हो गया है, क्या तुम मार्केट से जाके मेरे लिए बटर ले आओगे? हाँ, ये तो तुम्हारे लिए शुरुआत ही है नोबिता। चलो कम से कम मेरी काम की शुरुआत तो हो गई। बाहर जा रहे हो नोबिता? हाँ पापा, मार्केट तक जा रहा हूँ। सुनो नोबिता, मेरा एक काम भी कर देना, क्या तुम मिस्टर ओहाटा के घर से मेरे गोल्फ ग्लव्स ले आओगे? उनका घर दुकान के सामने ही है जहाँ तुम जा रहे हो। ठीक है पापा, ले आऊँगा। मैं अपना नाश्ता करने ही वाला था लेकिन काम आ गया, पर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। अरे ये क्या, आज तो ये दुकान बंद है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सारी मुश्किलों का सामना करूंगा और अपना नाश्ता भी करूंगा। एक्सक्यूज मी, बच्चा कहाँ पर है? आई एम सॉरी, बटर तो खत्म हो गया। अरे बटर को ढूंढते ढूंढते मैं इतनी दूर आ गया हूँ और फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ मुझे वो मिल जाए। ये लो बटर। थैंक यू, मिल गया, मैंने ढूंढ लिया। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब मुझे पापा का गोल्फ क्लब्स भी लेना है, लेकिन पापा ने जो एड्रेस बताया था वो बहुत दूर है, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम ही इसे लेने आए हो? हाँ। पर इसे उठा पाओगे? ये लो। हाँ, तुम इसे उठा तो पाओगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल उठा लूंगा।
पापा को सोच समझ कर मुझे काम देना चाहिए था। एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत भारी है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये धूल तो मेरी आंखों में जा रही है, पसीना आ रहा है, मगर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी। मैं तो थक गया, मैं इसे और नहीं उठा सकता, मैं हार गया, ये मुश्किल था। सुनो नोबिता, मैं एक नया गेम खरीद कर लाई हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं अब गेम खेलने वाला कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अब काम कर रहा हूँ, मुझे करने दो। हैं? सुनो, मैं मुश्किलों से दूर नहीं भागने वाला, वरना मैं जीत से पहले ही हार जाऊंगा। आज नोबिता को क्या हो गया? डोरेमोन में घर आ गया हूँ। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो बेटा। हाँ। ये तो टेस्टी लग रहा चाहो है। चाहो तो और भी ले सकते हो, ठीक है? हाँ। मैं खाना शुरू कर रहा हूँ, ये तो बहुत टेस्टी है। मेहनत करने के बाद खाने का स्वाद बढ़ जाता है, क्यों है ना? मगर मैं एक बात सोच रहा हूँ, हॉट केक्स के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैंने बेकार मेहनत की। ऐसी कोई बात नहीं है नोबिता। पापा आप देखो, बात सुनो, कुछ पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तुम जानते हो कि तुमने मुश्किलों का सामना किया है और पूरी मेहनत की, खुशी इसी चीज की होती है, मेरे कहने का मतलब समझ गए? खुशी तो ठीक है, मगर मुझे लगता है मैंने बेकार में ही मेहनत की। नहीं नोबिता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पापा आप हार्ट शेप बीन पेस्ट चक्कर देखिए, फिर देखते हैं। हार्ट शेप बीन पेस्ट? डोरेमोन, इसको चाटने से मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे, दादी से मत खाइए। पापा मैंने तो आपको सिर्फ चखने को कहा था, इतना सारा खाने को नहीं। देखो मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरता, मुश्किल काम करने के बाद ही सुकून मिलता है। वैसे मैंने भी आज बहुत मेहनत की है। अरे मैंने यही तो रखी थी, लगता है खत्म हो गई है। अरे क्या कह रही हो तुम? पापा अभी क्या कर रहे हैं? अभी मत जाइए, सारी दुकानें बंद हैं। डैड आपका इस तरह तेज बारिश में जाना ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम, बारिश है तो क्या हुआ, फिर भी छाता लेकर मैं जाऊंगा। मत जाइए, आपको बहुत परेशानी होगी। डैड मत जाइए प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे पास छाता है, मैं चला जाऊंगा। अच्छा क्या दुकान बंद है? कोई बात नहीं, मैं मशीन की मदद ले लेता हूँ। ये दुकान भी बंद। एक काम करता हूँ, बस स्टेशन जाता हूँ। यहाँ का नजारा कुछ अलग है, कहीं बस वाले ने कुछ गलती तो नहीं कर दी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी जगह पर आ गया हूँ। अच्छा होगा कि ट्रेन से वापस चला जाए। अरे ये क्या हो गया, मैं तो मेन स्टेशन पर आ गया हूँ। ओह यस, दुकान मिल गई। तो चलो अब मैं अपना वॉलेट निकालता हूँ। ये लेना लीजिए। अरे मेरा छाता कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको, मेरा छाता दो। अरे मेरा छाता क्यों लेकर जा रहे हो? रुक जाओ। ओहो, ये भी पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे पापा को इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। हेलो कौन है? अरे पापा आप कहाँ पर हैं आप? क्या आप इस वक्त टोक्यो वाली स्पेशल ट्रेन में हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं स्पेशल ट्रेन में था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कहाँ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। वो स्पेशल ट्रेन में है। ओह नो।